तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। क्रिप्टो फैमिली के साथ मिलकर काफ़ी बढ़िया मीनिंग प्रॉफिट बना रहे होंगे। तो दोस्तों मार्केट ने फिर से करवट बदला है और काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर पंपिंग दिखाया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा टाइम तक ये सस्टेन कर पाएगा। जहाँ दोस्तों अभी जो है फिलहाल बेबी डॉज कॉइन भी 3.88% से काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर पंप है, लेकिन बेबी डॉज से रिलेटेड काफ़ी मेजर बड़ा बड़ा अपडेट्स है। वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखना। पहली बार चैनल पर विजिट किया हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को क्लिक करके टेलीग्राम ट्विटर हैंडल मस्ट जोड़िए फॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों ओवरऑल अगर रेट की बात करें तो भैया 60 के बाद 11 यहाँ पर जो है रेट चला INR के अंदर, और हमारा USDT के अंदर भैया यहाँ पर 0.8x0 के बाद 1340 यहाँ पर रेट चल रहा। तो भैया ये काफ़ी अच्छा रेट को भी मेंटेन करके चल रहा है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ, ज़्यादा डंप भी नहीं हो रहा, आपको देख रहे हैं, आप भी खुद ही देख रहे हैं कि 80 के बाद 1000 का जो मार्क है वो जो सपोर्ट है उसको बिल्कुल भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है। इसके साथ साथ भैया मार्केट कैप भी काफ़ी अच्छा खासा बढ़ा है, 12.3 बिलियन का हो चुका है, 286 मिलियन यहाँ पर ट्रेडिंग वॉल्यूम भी हो चुका है, 233 यहाँ पर जो है रैंकिंग हो गया। रैंकिंग के अंदर थोड़ा सा यहाँ पर डंपिंग देखने को मिला है, लेकिन आशा करता हूँ कि बहुत जल्दी यहाँ पर रिकवर कर जाएगा हमारा बेबी डॉज कॉइन। हम आ चुके हैं अपडेट्स की तरफ, ये हमारा ट्विटर हैंडल है, मेक श्योर आपने अभी तक नहीं फॉलो किया तो फॉलो कर लेना। जो भी अपडेट्स न्यूज़ र्यूमर्स आती है सबसे पहले यहीं पर मैं शेयर करता हूँ, देन मैं वीडियो बनाता हूँ। सबसे पहली न्यूज़ की बात करें तो भैया यहाँ पर आप देख सकते हो गुड न्यूज़ के साथ यहाँ पर स्टार्ट होता है, बिकमिंग द टॉप 3 बिगेस्ट मीम टोकन विद 83.8% ऑफ द वोट आफ्टर डॉज एंड शिबा, डू यू थिंक बेबी डॉज कैन ओवरटेक द टोकन ऑफ द 2 टॉप मीम टोकन्स अबव। जी हाँ दोस्तों, क्या आपको बिलीव है, जी हाँ दोस्तों क्या आपको यकीन है कि आने वाले समय के अंदर बेबी डॉज कॉइन जो इसके बड़ा 2 मीम टोकन शिबा इनू और डॉज कॉइन को बताया जा रहा उसको भी बीट करेगा, क्या आपको यकीन है? मुझे तो यकीन है कि कम से कम डॉज कॉइन के बाद यहाँ पर बेबी डॉज कॉइन का नाम आने वाला है, शिबा को बीट कर सकता है, लेकिन अभी नहीं यार, अभी नहीं बिल्कुल भी नहीं, अभी इसको टाइम लगेगा, अभी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल ये करने वाला है। अगर इसी तरह से काम करता रहा, अगर बर्निंग करता रहा तो फिर ये चीज़ हो सकता है, अगर इसी तरह से इसका हाइप चलता रहा, नहीं तो भैया टॉप 3 मीम टोकन भी अपने आप में बनना जो है काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। जहाँ तो मीम टोकन्स काफ़ी सारे हैं मार्केट के अंदर, लेकिन टॉप 3 का जो है खिताब अभी तक अपने हासिल कर रखा है दोस्तों हमारा बेबी डॉज कॉइन, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। देन अगर मैं बात करूँ तो भैया टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी इन द वर्ल्ड बाई ट्विटर फॉलोअर्स के मामले में मैंने अच्छे अच्छे कॉइन्स को बीट करने वाला हमारा को। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हो 10वें नंबर पे 1.51 मिलियन यहाँ पर ट्विटर फॉलोअर्स के पास साथ जो है 10वें नंबर पे हमारा है, लेकिन बहुत ही जल्दी ये बीट करने वाला है पॉलीगॉन मैटिक को। जी हाँ दोस्तों, पॉलीगॉन मैटिक का 1.57 मिलियन यहाँ पर ट्विटर फॉलोअर्स हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ ही दिन या कुछ ही हफ्ते के अंदर जो है पॉलीगॉन मैटिक को बीट करके 9वां स्थान पर हमारा बेबी डॉज कॉइन जाने वाला है। आपको क्या लगता है कितना दिन लग सकता है पॉलीगॉन मैटिक को बीट करने के लिए? मेक श्योर अपना ओपिनियन आप कमेंट में हमें बता सकते हो, और मैं तो भैया एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले समय के अंदर 4वां-5वां नंबर पे हमारा बेबी डॉज कॉइन नजर आए ट्विटर फॉलोअर्स के मामले में। देन दोस्तों डेली बर्निंग की बात करूँ तो भैया डेली बर्निंग काफ़ी अच्छा जोर शोर से हो रहा है, 5.3 ट्रिलियन टोकन बर्न कर दिया गया पिछले 24 घंटे के अंदर, यानी कि दोस्तों टोटल सप्लाई का 46.978% यहाँ पर टोकन बर्न किया, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। और इसी रफ्तार से अगर टोकन बर्न होता रहा तो आने वाले समय के अंदर काफ़ी ज़्यादा टोकन्स यहाँ पर बर्न हो जाएंगे और काफ़ी कम सप्लाई यहाँ पर बचने वाला है, और इसके रेट के अंदर भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। यहाँ तो मोस्ट ट्रेडेड मीम टोकन इन लास्ट 24 आवर के अंदर 3रे नंबर पे हमारा बेबी डॉज कॉइन है, 3 मिलियन यहाँ पर ट्रेडिंग वॉल्यूम रहा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। जी हाँ दोस्तों, तो आहिस्ता आहिस्ता जो हमारा बेबी डॉज कॉइन काफ़ी अच्छा कर रहा है और फिर से जो है हाइप यहाँ पर जनरेट करने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, और मुझे लगता है काफ़ी जल्दी इसके अंदर काफ़ी अच्छा भूचाल देखने को मिल सकता है। बाकी आपका क्या मानना है इसके बारे में, क्या सोचना है, मेक श्योर अपना ओपिनियन जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अच्छे वीडियो के लिए हमेशा अपडेटेड रहने के लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट करके टेलीग्राम ट्विटर हैंडल मस्ट जोड़िए फॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं तो नेक्स्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, क्रिप्टो फैमिली के साथ प्रॉफिट बनाते रहे। जय हिंद।